साथियों, कल पटना के गांधी मैदान में बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा पूरे तमाम देश भर के लोग, बुद्धिस्ट लोग वहां पे एकजुट होते हैं और एक मांग रखते हैं, जहां पे बामसेफ के विलास खरात भी नजर आते हैं उस आयोजन में शिरकत करते हुए। तो वहां पे एक मांग थी जहां पे बीटी 1949 में एक एक्ट बना, बीटी एक्ट, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो बौद्ध विहार है उसको टेंपल करार दिया गांधी ने, नेहरू ने, और इन लोगों ने जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये लोग चोरी चुपके से एक एक्ट बनाते हैं, बीटी एक्ट, और उसके तहत जितने भी बोधगया में जो उसके देखरेख के लिए बने हुए सदस्य बने हुए हैं, जिसमें से एक जिला अध्यक्ष रहता है जो डीएम होते हैं, और चार बुद्धिस्ट और चार हिंदू के नाम पर चार ब्राह्मण उसमें घुसे हुए हैं, और जो भी फैसला, जो भी निर्णय उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो भी फैसले लेने को होते हैं वो डीएम सहित चार ब्राह्मण लेने का काम करते हैं, जिससे बुद्धिस्ट की विकास के, बुद्धिस्ट की बिहार की जो असीमता है, गौरव का जो प्रतीक है, उस पे वो कलंकित होने का काम किया जा रहा है। और उसमें एक बुद्धिस्ट के द्वारा एक इमेज दिखाया जा रहा था जो 1880 के आसपास का वो इमेज था, जहां पे बुद्धिस्ट टेंपल का वो इमेज था, और अभी बिहार विधानसभा में एक बुद्धिस्ट विधायक के द्वारा ये आवाज उठाया गया कि 1949 में बनी बीटी एक्ट को खत्म किया जाए। तो जो चेयर पे बैठे हुए थे उसे अध्यक्ष, जो उस बात को सुनते हैं, सभी पार्टी की बातों को सुनते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो 1949 में बनी हुई है, नीतीश कुमार ने थोड़े बनाया है, और ये इस पे हिंदू वहां पे जहां पे टेंपल है तथागत बौद्ध का, वहां पे भगवान शिव का भी एक छोटी सी मूर्ति हुई है, तो इसको, इस बात की वापस लिया जाए और इस पे संशोधन की बात को वहां पे समाप्त कर दी जाती, जो एक वीडियो वायरल होती है। तो आप सोच सकते हैं कि 1980 में जब 1880 में जब वो इमेज निकल के आते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल का, वहां पर कोई भी शिव की या किसी भी अन्य देवी देवताओं की, जो हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताएं थी उसमें से किसी भी देवी देवता की नहीं थी। पर जब आजादी के बाद जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रखी गई और जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश ज्ञान बापी को की गई, पर वो अभी मामला शांत है, वहां पे शिवलिंग को दिखाया गया। देखिए ना किस तरीके से बौद्ध गया के इस टेंपल पे शिव की मूर्ति को स्थापित करके इसको कब्जा करने का काम, और एक एक्ट ऐसी लगा दी गई है जिस पे बुद्धिस्ट की विचारधारा को, बुद्धिस्ट लोगों को और बंक लोगों को परेशानी बढ़ रही है। बहुजन समाज के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस चालाकी के साथ गांधी नेहरू ने हमारे साथ छल किया। जब आंदोलन की बात आई थी, आजादी के आंदोलन की बात, तो बुद्धिस्टों को ये आश्वासन दिया गया था 1922 के समझौता में, जब यहाँ पे अध्यक्षता कांग्रेस की गई थी, तो उस बात में कहा गया था कि जब आजादी होगी, आजाद भारत आजाद होगा, तो बुद्धिस्टों की जो संपत्ति है, जो बौद्ध विहार है, उनको वापस दे दिया जाएगा, बौद्धों को वापस दे दिया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, आजादी के बाद इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई और इसको कानून बना करके हथियाने का प्रयास किया गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से लिखा हुआ कानून नहीं है, ये गांधी नेहरू के जो छल कपट से लिखा हुआ कानून है, और उससे पहले भी उस बौद्ध विहार पे एक ब्राह्मण समाज के कई पुस्तों से उस पे कब्जा था, जो उसको कब्जा करके बैठे हुए थे। और यहाँ तक कि प्रोफेसर विलास खरात का एक वीडियो पिछले साल जब बौद्ध गया आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जापान से कुछ लोग, मंक लोग आए थे, तो यहाँ देखा कि तथागत बौद्ध की मूर्ति छत बिछत है और ब्राह्मण समाज के लोग इसको कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसको किसी और देवी देवता के रूप में पूज रहे थे। तो ब्राह्मण समाज का ये कब्जा बता रहा है कि उनको कितनी, मंक से, बुद्धिस्ट लोगों से, धर्म से कितनी उनको नफरत है। तो अब बौद्ध बिहारों को आजाद करने का टाइम आ गया है, जिस तरीके से लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंचे हुए थे और बौद्ध गया के टेंपल पे भी गए थे। तो अब पिछले साल से लगभग एक साल हो गए हैं, तो एक साल से अब बौद्ध गया में ये सुगबुगाहट देखने को मिल रहा है बुद्धिस्टों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, कि अब वहां पे जो बीटी एक्ट है उसको खत्म करके
संपूर्ण बौद्ध गया को बुद्धिस्ट लोगों को सौंप दिया जाए, जैसे कि जन्म का बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट के नजरिए से है, और यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करते हैं बोध गया में। उसके बाद पहला जो प्रवचन देते हैं पांच लोगों का, जो पांच लोगों को उपदेश देते हैं और समाज के लिए अनेक काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं सारनाथ में, तो पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट के नजरिए से वो बहुत मायने रखता है, वो धार्मिक स्थल, और इसलिए वहां पर से भी कब्जा हटाना पड़ेगा। और कुशीनगर जहाँ परिनिर्माण हुआ बुद्ध का, जहाँ पे मृत्यु हुई महापरिनिर्माण हुआ, ये जगह बहुत चार जगह ऐसी है जहाँ पे बुद्ध की मान्यता है और बुद्ध धर्म के लोग इसे बहुत बढ़ चढ़ के इसे मानते हैं, और ये उनकी मांग थी कि ये चारों जगह संपूर्ण रूप से बौद्ध के लोगों के बुद्धिस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट मंक लोगों को दे दिया जाए। और ऐसा न्यूज भी आ रहा है कि बुद्ध बिहार में कुछ ऐसे भी बुद्धिस्ट लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, पर वो चोला बदल के और बुद्धिस्ट की मंडली में शामिल हो जाते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ करके बौद्ध बिहार को नष्ट करने का, उसकी संस्कृति की अस्मिता को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से यही मांग है कि इस बीटी एक्ट को अब खत्म करने का टाइम आ गया है, और बुद्धिस्टों की जो मांग है, और वो मांग रहे थे वहां गांधी मैदान में, नेम प्लेट था कि बुद्धिस्टों को न्याय दो, बीटी एक्ट खत्म करो, और जिस तरीके से बुद्धिस्ट लोग वहां पे पहुंचे हुए थे और तस्वीरें बयां कर रहे थे लोग कि अब बुद्धिस्टों को बहुत हो गया अन्याय, अब बुद्धिस्ट बौद्ध विहार से कब्जा हटाना पड़ेगा और संपूर्ण बौद्ध विहार को बुद्धिस्ट लोगों को सौंपना होगा। तो साथियों, जिस तरीके से भारत में अब फिर से बुद्ध धर्म का उदय, और जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के धर्म को स्वीकारा है और हिंदू धर्म पे लात मार के अब ये लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो जिस तरीके से भारत में ये अब कुछ सालों से देखने को मिल रही है कि हजारों की संख्या में 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार लोग एक बार में बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में अब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा।